Welcome to the Wisdom English class classes for the students of CBSE class 12. आज हम फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं. अल्फोंसो ड्यूडे 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer. अल्फोंसो ड्यूडे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूसियन वार 1870 to 1871, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रूसिया लेड बाई बिस्मार्क. द लास्ट लेसन ये जो कहानी है वो फ्रेंको प्रूसियन वार डेज में सेट किया हुआ है जो दो साल तक चला था 1870 to 1871, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रूसिया लेड बाई बिस्मार्क. बिस्मार्क के लीडरशिप में प्रूसियन सोल्जर्स द्वारा फ्रांस डिफीट हो गया था. प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशंस ऑफ जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. प्रूसिया उस जमाने में आज के जर्मनी पोलैंड एंड कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया को मिला के बनता था. इन दिस स्टोरी इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स. इस कहानी में हम देखते हैं कि फ्रांस का जो दो डिस्ट्रिक्ट्स होता है एल्सास एंड लॉरेन वो जर्मन फोर्सेस के पास चला जाता है, उस पर जर्मन फोर्सेस का कब्जा हो जाता है. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इस कहानी में हम देखेंगे कि जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस का एल्सास एंड लॉरेन जो जर्मन फोर्सेस के हाथों में चली गई हैं, अब वो गुलाम हो गई हैं, तो वहाँ एक स्कूल के लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. तो आई नरेटर है जिसका नाम फ्रेंड्स है, एक लिटिल बॉय स्कूल गोइंग लड़का है. एम एम एल उसके टीचर हैं. तो नरेटर फ्रेंड्स कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह में उस दिन वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और डांट सुनने से वो काफ़ी डरा हुआ है, उसको लगता है कि आज बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि एम हेमल जो उसके टीचर हैं उन्होंने उसे पार्टिसिपल्स पे असाइनमेंट दे रखा है कि पार्टिसिपल्स याद करके आना है, पूछेंगे. लेकिन फ्रेंच को तो पढ़ाई लिखाई से कुछ मतलब रहता नहीं है, और वो कहता है आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट, बिल्कुल भी पार्टिसिपल्स के बारे में उसे कुछ पता नहीं होता. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. तो कुछ क्षणों के लिए तो वो सोचता है कि यार बाहर ही समय बिता देते हैं और जब छुट्टी होगी उस समय फिर घर चले जाएंगे. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी वार्म एंड ब्राइट दिन लग रहा था उस समय. द बर्ड्स वी आर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और वो एट द एज ऑफ द वुड्स वो क्या सुन रहा है, चर्पिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की साउंड सुन रहा है. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूसियन सोल्जर्स वी आर ड्रिलिंग, और वहाँ प्रूसियन सोल्जर्स का मार्च पास्ट भी हो रहा है. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. और वहाँ ढेर सारी चीज़ें हैं जो उसे पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा टेम्प्ट कर रही हैं, ज़्यादा उसे अट्रैक्ट कर रही हैं,
लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं यार, स्कूल के लिए चले हैं तो मुझे स्कूल ही जाना चाहिए, और वो स्कूल के लिए कंटिन्यू हो जाता है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। स्कूल के रास्ते में एक टाउन हॉल होता है और वहाँ के नोटिस बोर्ड पे कुछ भीड़ वो उसे दिखाई देती है। फिर वो सोचने लगता है, फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि फॉर लास्ट टू ईयर्स फ्रांस और जर्मन फोर्सेस में, प्रूसियन फोर्सेस में लड़ाई हो रही होती है और जर्मन फोर्सेस मजबूत हो रहे हैं, फ्रांस वो डिफीट होते चला जा रहा है। तो कहता है कि फॉर टू ईयर्स बैड ही न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, इसी टाइप के बैड न्यूज़ इसे सुनने को मिल रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, खुद से वो सोचता है विदाउट स्टॉपिंग, वो चला ही जा रहा है, वाट कैन बी द मैटर नाउ। चलते चलते ही वो जब बुलेटिन बोर्ड पे, टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे उसे भीड़ दिखाई देती है, तो वो ये चीज़ें सोच रहा है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। जब वो काफ़ी तेज़ी से स्कूल की तरफ जा ही रहा था, तभी वहाँ टाउन हॉल नोटिस बोर्ड के पास उसके जान पहचान का ब्लैक स्मिथ वॉचर खड़ा था अपने एक असिस्टेंट के साथ, अप्रेंटिस के साथ। वो भी नोटिस ही पढ़ रहा था क्या ऑर्डर आया है। उसकी नज़र पड़ती है फ्रेंच पे और वो उसे थोड़ा सा मजाक के लहजे में कहता है, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे बहुत टाइम है, इतनी जल्दी भी क्या है, इतना दौड़ के क्यों जाना, इस तरह से वो कहता है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और फ्रेंच कहता है, वो समझ जाता है कि ब्लैक स्मिथ वॉचर उसके साथ मजाक कर रहा है और वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं लगता है उसके मजाक का, और सीधा एक ही सांस में वो स्कूल कैंपस पहुंच जाता है। स्कूल कैंपस में ही उसके टीचर एम हैमल भी रहते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज ए ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। तो यूजली जब स्कूल शुरू होता है तो ढेर सारा ग्रेट बस, ढेर सारे नॉइजेस सुनने को मिलते हैं, ढेर सारा साउंड सुनने को मिलता है, और इतना ज़्यादा वो साउंड बच्चों के द्वारा होता है कि उसे बाहर रोड से ही आप सुन सकते हैं, और ये हर स्कूल में होता है। और ढेर सारे नॉइजेस, ढेर सारे साउंड सुनने को मिलते हैं, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क है, किसी क्लास में बच्चे एकदम एक साथ रिपीट कर रहे होते हैं अपने लेसन को, कोई टेबल पढ़ रहा होता है, 2 1 2 2 2 4 ऐसे करके एक बच्चा रटता है, सारे बच्चे एक साथ पूरा ज़ोर ज़ोर से रिपीट कर रहे होते हैं बहुत तेज़ आवाज़ में। और टीचर्स किसी किसी क्लास में टीचर्स क्या करते हैं, शोर ज़्यादा हो रहा है तो अपना जो रूलर है उसको टेबल पे ज़ोर ज़ोर से पटक के और बच्चों को चुप कराने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की तमाम तरह की आवाज़ें इतनी ज़ोर ज़ोर से होती हैं कि कोई भी दूर रोड तक सुनाई देता है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो क्वाइट, लेकिन ये क्या, आज तो बिल्कुल भी किसी तरह की कोई आवाज़ ही सुनाई नहीं देती है, सब कुछ शांत सा है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। चूँकि वो थोड़ा लेट हो गया था स्कूल के लिए, तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे आवाज़ होगा, ढेर सारी एक्टिविटीज़ होगी, भीड़ भाड़ होगा, बच्चे भीड़ भाड़ करेंगे, आवाज़ करते रहेंगे, उसी बीच वो किसी को दिखाई भी नहीं देगा,
और चुपके से अपने क्लासरूम में जाके बैठ जाएगा। लेकिन ये क्या, आज तो सब कुछ बिल्कुल भी शांत है, लाइक संडे मॉर्निंग। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल बंद हो, बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ क्वाइट, कंप्लीट साइलेंस। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जब वो विंडो से, खिड़की से झांकता है अपने क्लासरूम के अंदर में, तो क्या देखता है, सारे बच्चे अपने अपने सीट पे बैठ चुके होते हैं और एम हेमेल अपना वो जो खतरनाक वाला रूलर है, आयरन रूलर, वो अपने बाह में लगाए हुए और अप एंड डाउन क्लास में आगे पीछे कर रहे होते हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब उसको क्या है, सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर अप एंड डाउन कर रहे हैं, क्लास में घूम रहे हैं, और सबके सामने इसे दरवाज़ा खोल के और अंदर जाने का था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। तो फ्रेंड्स कहता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में वो कितना ब्लस्ट एंड कितना फ्राइटेंड फील कर रहा हो। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एम हेमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्वाइटली लिटिल फ्रेंड्स। एम हेमेल का उस दिन बिल्कुल बिहेवियर भी काफ़ी चेंज था, वो काफ़ी सॉफ्ट एंड पोलाइट नज़र आ रहे थे। वो उसे बिल्कुल भी वेलकम करते हैं और कहते हैं कि जाके जल्दी से अपना सीट पे बैठ जाओ, तुम्हारे बिना ही हम लोग लेसन स्टार्ट करने वाले थे, वी वी आर बिगनिंग विदाउट यू, ऐसा कहते हैं एम हेमेल। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। वो जल्दी से उछल के अपने सीट पे बैठ जाता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। तो जब वो अपने सीट पे जाके बैठ जाता है, तो कुछ देर के बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है और अपना चेहरा ऊपर करता है, तो उसे अपने टीचर दिखाई देते हैं। लेकिन ये क्या, टीचर भी स्पेशल ड्रेस पे में आज आए हैं, वो ड्रेस सिर्फ वो या तो इंस्पेक्शन डेज को पहनते थे या फिर प्राइज डेज को पहनते थे, और आज की ये क्यों पहने हैं, काफ़ी ये कन्फ्यूज है, सब कुछ स्ट्रेंज लग रहा है उस दिन फ्रेंड्स को। तो आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। वो स्पेशल ड्रेस जो वो इंस्पेक्शन डेज या प्राइज डेज को पहनते हैं, वही ड्रेस पहन के आए हुए हैं इनके टीचर एम हेमेल। वो कैसा ड्रेस होता है, ब्यूटिफुल ग्रीन कोट होता है, हिज फ्रिल्ड शर्ट होता है एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप होता है, और ये सभी एम्ब्रॉयडर्ड थे, उस पर काम किया हुआ स्पेशल ड्रेस रहता है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। और इसके अलावे भी पूरा स्कूल बिल्कुल भी क्वाइट, बिल्कुल भी साइलेंट दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज उसे लगता है, वो क्या लगता है, जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो जो बैक बेंचेस जो यूजुअली एम्प्टी रहती थी, उस पर कोई बैठता नहीं था, खाली ही रहती थी, वहाँ विलेज एल्डर्स बैठे हुए मिलते हैं। और विलेज एल्डर्स में कौन कौन लोग हैं, ओल्ड हाउसर है विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, आप देख सकते हैं पिक्चर में, द फॉर्मर मेयर हैं, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर हैं एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। इसके अलावा और भी ढेर सारे लोग हैं बैठे हुए।
बैक बेंचेस पर, ये इसके लिए द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग लगता है। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी दुखी दिख रहे होते हैं। एंड हाउसर हैड ब्राउट एंड ओल्ड प्राइमी, और वो जो हाउसर है वो क्या लाया है अपने साथ, ओल्ड प्राइमर लाया। ओल्ड प्राइमर क्या होता है, जो प्राइमरी बुक होती है, जो अल्फ़ाबेट सीखने के लिए जो फर्स्ट बुक आपको दिया जाता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश या जो भी आपका लैंग्वेज हो उसका प्राइमरी लेटर्स और उसके कुछ सिंपल वर्ड्स देते हैं, उसी को प्राइमर कहते हैं। तो ओल्ड प्राइमर लेके आया है। थम्ड एट द एज एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो अपने घुटने पे उसको लेके और खोला हुआ है, अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और अपने बड़े से चश्मे से उसको देख रहा होता है। व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। और इन सब जो डिफरेंट चीज़ें स्ट्रेंज थिंग्स इसे दिखाई दे रही थी उस दिन, सब कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा था, इसके बारे में वो सोच ही रहा था कि अचानक से एम हेमल खड़े होते हैं अपने चेयर से और एक वो अनाउंसमेंट करते हैं, बिल्कुल भी ग्रेव एंड जेंटिल टोन में ही, जैसा उसे वो बुलाए थे। और वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। वो कहते हैं कि बर्लिन से, बर्लिन मीन्स जैसे दिल्ली मीन्स इंडिया, उसी तरह से बर्लिन मीन्स जर्मन, जर्मनी से ऑर्डर आया है कि एल्सास एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल्स में अब कोई फ्रेंच टीचिंग नहीं होगी, अब सिर्फ जर्मन टीचिंग ही होगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके नए जर्मन टीचर आएंगे कल। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज लास्ट फ्रेंच लेसन है आपके लिए। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आज आप पूरी तरह से अटेंटिव रहें, यही अनाउंसमेंट करते हैं एम हेमल साहब। व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी, और फ्रेंड्स को तो बिल्कुल भी, ये काफ़ी शॉकिंग अनाउंसमेंट है, अचानक से अनएक्सपेक्टेड है उसके लिए। तो इट वॉज लाइक ए थंडर क्लैप टू हीज ईयर्स, बिल्कुल थंडर क्लैप था उसके लिए, वो सोच भी नहीं सकता था कि अचानक से इस तरह की बात कभी हो भी सकती है। ओह द रेचेज, और कहता है ओह द रास्कल्स, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। और तब इसके समझ में सारी बातें आने लगती है और कहता है कि वो यही वजह है कि बुलेटिन बोर्ड पे टाउन हॉल के पास इतना भीड़ लगा हुआ था। उसके बाद वो ही स्टार्ट्स रिग्रेटिंग ओवर हिज नेग्लिजेंस ऑफ स्टडीज, फिर वो क्या सोचता है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब उस अनाउंसमेंट का कितना प्रभाव पड़ता है उस पर, अब ये हम देखते हैं इस पैराग्राफ में। कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, माई बुक्स That had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. तो एम एम एल के उस अनाउंसमेंट के बाद, वो अनाउंसमेंट तो बिल्कुल भी शॉकिंग है उसके लिए, अनएक्सपेक्टेड है, जस्ट लाइक ए थंडर क्लैप है उसके कानों के लिए। और उसके बाद वो काफ़ी उस पर प्रभाव देते हैं उनका अनाउंसमेंट, वो काफ़ी रिग्रेट करता है अपने नेग्लिजेंस ऑफ स्टडीज़ के लिए,
और वो कहता है कि अभी तो हम कुछ पढ़ाई कर ही नहीं पाते, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आया अभी तक, फिर क्या होगा मेरा, हम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, यहीं स्टॉप हो जाएगा मेरी तो पढ़ाई लिखाई। तो इस तरह की चीज़ें फिर वो रिग्रेट करता है कि हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग, जब पढ़ाई होने को होता था तो वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, वो बर्ड्स एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और घूमने फिरने चला जाता था, फिशिंग के लिए चला जाता था, बर्ड्स एग्स ढूंढने चला जाता था। और इसकी जो बुक्स थी वो पहले बिल्कुल भी न्यूसेंस लगती थी उसके लिए, बिल्कुल एक बर्डन के रूप में लगती थी, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ही डेवलप्स फ्रेंडशिप एंड लव फॉर दोज बुक्स, और वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता है उन बुक्स को। तो दीज आर द चेंजेस ही डेवलप्स आफ्टर द अनाउंसमेंट। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल के भी बारे में इसका परसेप्शन चेंज हो जाता है। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और एम हेमल जब इसे लगता है कि अब हमारे टीचर, हमारे सर अब नहीं मिलेंगे हमसे, अब वो आज यहाँ से जा रहे हैं परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए, तो उनके बारे में जो भी उसके मन में कुछ निगेटिव फीलिंग्स था वो सब ख़त्म हो जाता है, और उनके रूलर के बारे में और उनका जो शॉर्ट टेम्पर स्वभाव था, जब बात बात में डांटते थे और पीटने लगते थे, वो सारा भूल जाता है। एंड ही डेवलप्स सिंपैथी फॉर हिम, और उनके लिए भी वो सिंपैथी फील करने लगता है। फिर क्या सोचता है, सोचता है पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, और तब इसे सारी बातें समझ में आने लगती है, और ये अब समझ चुका है कि वो यही कारण है, आज चूँकि लास्ट डे है उनका, लास्ट लेसन है, तो इसीलिए वो स्पेशल ड्रेस आज पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और इसे ये भी समझ में आ गया वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वे आर सीटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि वाई वे आर द विलेज एल्डर्स वे आर सीटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस दैट रिमेंड यूजअली एम्प्टी, जो लास्ट बेंचेस पे जो विलेज एल्डर्स हैं वो क्यों बैठे हैं, अब इनकी इसके समझ में बात आ गई है। इट वॉज बिकॉज दे वे आर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज दियर्स नो मोर। अब ये समझ चुका है कि विलेज एल्डर्स उस आदमी को के लिए रिस्पेक्ट दिखाने आए हैं जो उन्हें लॉन्ग 40 years तक अपनी सर्विस दिया हुआ है, वो इसलिए भी आए हैं कि वो अपना सॉरी एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिए थे, पढ़ाई को इग्नोर किए थे, और इसके लिए भी वो आए हैं ये दिखाने के लिए, एक अपने देश के प्रति एक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए भी आए हैं, जो उनका अब नहीं रहा, अब वो दूसरे के हाथ में चला गया है। While I was thinking of all this, ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है, I heard my name called, और तभी इसका नाम सुनाई देता है। It was my turn to recite, M. Hemel जो उसके टीचर थे उसका नाम पुकारते हैं, बुलाते हैं, उसे पार्टिसिपल्स पे जो उन्होंने असाइनमेंट दे रखा था उसे पूछते हैं। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? लेकिन पढ़ाई लिखाई से तो उसे कुछ मतलब था नहीं, तो वो तो कुछ भी आंसर दे नहीं सकता था, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, और इसे तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है कि बिना मिस्टेक के और सब कुछ सही सही वो बोल सके।
बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। तो वो फर्स्ट वर्ड भी ठीक से नहीं बोल पाया और चुपचाप खड़े हो जाता है, जैसे क्लास में बच्चे सिर नीचा करके खड़े हो जाते हैं। तो अब टीचर को समझ जाना चाहिए कि उन्हें वो लेसन, वो टास्क याद नहीं है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, सिर नीचे करके और खड़ा हो जाता है। आई हर्ड एम हेमल टू मी, और तभी एम हेमल उससे कुछ कहते हैं। आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डांट नहीं रहा हूँ। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, रोज ही हम अपने को कहते रहते हैं कि अरे बहुत टाइम है अभी, तो अभी इससे क्या मेहनत करना है, अभी क्या सीखना है, सीखने के लिए तो बहुत टाइम है। बट आई विल लर्न इट टुमारो, ऐसा ही कहते हैं हम, बट टुमारो नेवर कम्स, टुमारो तो कभी आता नहीं है, और हम बिना पढ़े ही रह जाते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आप देख सकते हो कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास, और यही प्रॉब्लम एल्सास के साथ रहा है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि एल्सास के सारे लोग, एल्सास मीन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे स्कूल है, तो एल्सास के सारे लोग भी इसी तरह से सोचते थे और वो पढ़ाई को इग्नोर करते थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सारे लोग यही कहते रहे कि हाँ कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और आपसे कोई पूछेगा हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉ राइट योर ओन लैंग्वेज। तो आप फ्रेंच मैन अपने को कहते हैं एंड यू आर नॉट इन पोजिशन टू स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज, तो ये कितनी शर्म की बात है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड, लेकिन इसका सारा दोष आप ही को हम नहीं दे सकते, तुम ही को हम नहीं दे सकते, ऐसा कहते हैं कि यू आर नॉट द वर्स्ट। वी ऑल हैव ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, तो हम सबको इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये जो पुअर स्टेट ऑफ लर्निंग है यहाँ, इसके लिए सिर्फ बच्चे ही जिम्मेवार नहीं है, फ्रेंड ही जिम्मेवार नहीं है, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पुअर स्टेट ऑफ लर्निंग, ऐसा एम हेमल कहे। तो योर पेरेंट्स वे आर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, वो एम हेमल उनके पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल बताते हैं कि उन्होंने कभी भी पढ़ाई को एक इम्पोर्टेंस नहीं दिया। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, और फिर आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें स्कूल ना भेज के कहाँ भेजा, टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, ताकि वहाँ जाओ जाके और कुछ पैसे आप अर्न कर सको। एंड आई, और वो खुद को भी रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ एक पुअर स्टेट ऑफ लर्निंग के लिए। क्यों, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हें पढ़ाने के बदले में मैं हमेशा ही अपना पौधों को पानी देने की बात करता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग पे जाने का मन करता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो मैं उस दिन बिल्कुल हॉलीडे ही कर देता था। तो इसलिए एम हेमल हम देखते हैं कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो फ्रेंच के पेरेंट्स हैं, उनको भी कि वो स्कूल ना भेज के और उसे फार्म हाउसेज
या मेल्स में भेज देते हैं पैसे कमाने, और ये खुद को भी रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं कि वो भी उनसे अपने पौधों में पानी देने की बात करते थे, और जब भी मन करता था फिशिंग के लिए वो स्कूल भी क्लोज कर देते थे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम एम एल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एक इधर से इधर की बात इधर उधर की बात करते हुए फ्रेंच ये एम एम एल फ्रेंच लैंग्वेज की बात करने लगते हैं, और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहते हैं दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल क्लियरेस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंच के लिए कहते हैं कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, ये कहते हैं कि जो हमारा फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट है और मोस्ट लॉजिकल भी है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, इसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज वेन ए पीपल आर इनस्लेव्ड, अगर आप इनस्लेव्ड हो गए हो, गुलाम बना दिए गए हो, कैद कर लिए गए हो, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक आप अपने मातृभाषा को मदर लैंग्वेज को पकड़े हुए हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो इट सर्व्स लाइक ए प्रिजन, इट सर्व्स लाइक ए की टू योर प्रिजन, ऐसा कहते हैं। देन ही ओपेंड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर वो ग्रामर की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और उस दिन वो काफ़ी अमेज फील कर रहा है क्योंकि उस दिन एम हेमल की सारी बातें उसे समझ में आ रही है। ऑल आई सेड सीम्ड सो ईजी, ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, एम हेमल की सारी बातें उसे काफ़ी आसान लग रही हैं। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली and that he had never explained everything with so much patience, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम वो इतना केयरफुली अपने टीचर की बात को सुन रहा था, और टीचर भी perhaps फर्स्ट टाइम ही इतने पेशेंटली पढ़ा भी रहे थे, नहीं तो वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड थे, वो गुस्सा ज़्यादा करते थे, डांटते ज़्यादा थे, पढ़ाते कम थे, सारा टाइम उनको डांट में और मारपीट में ही बीत जाता था, तो इसलिए भी शायद फ्रेंड्स उनको ध्यान से नहीं सुनता होगा। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉप, ऐसा लग रहा था कि एम हेमल को जितनी भी नॉलेज है वो सब एक ही स्ट्रोक में उसके दिमाग में डाल देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद राइटिंग की पढ़ाई शुरू हो जाती है। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल अपने साथ बच्चों के लिए नई कॉपी लाए हैं। रिटेन इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रेंस एल्सास फ्रेंस एल्सास, और हर कॉपी पे फ्रेंस एल्सास लिखा हुआ है। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो जो फ्रेंस एल्सास जो लिखा हुआ है वो काफ़ी भी खूबसूरत लग रहा था, और बिल्कुल फ्लैग्स की तरह लग रहा था जो पूरे कैंपस में पूरे क्लासरूम में वो फ्लोट कर रहा हो। फ्रॉम स्कूल हाँ इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और उस दिन सब लोग अपने अपने काम में बिल्कुल भी बिजी थे, कोई किसी तरह का आवाज़ नहीं हो रहा था, सब कुछ पिन ड्रॉप था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और बस पेपर पे कॉपी पे जो पेन से लिख रहे थे लोग, बस उसी की आवाज़ आ रही थी, बाकी बिल्कुल भी कंप्लीट साइलेंस था उस पूरे कैंपस में।
वंस सम बीटल्स फ्लीव इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंड्स टू। तो बिल्कुल भी पिन ड्रॉप साइलेंस होता है वहाँ, और सब के सब काफ़ी सीरियस और अपने काम में इतने बिजी हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ कि कुछ बीटल्स क्लासरूम में उड़ते हुए आ गए, जो एस्टिंगी होते हैं, जो भौरे टाइप के इंसेक्ट्स, लेकिन किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इवन द लिटलेस्ट वंस, जो इवन द सबसे जो छोटे बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे, वो भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और वो भी अपने पेपर पे फिश हुक्स वगैरह वो ट्रेस कर रहे होते हैं, एज इफ़ दैट वाज फ्रेंड्स टू। ऐसा लगता है कि सारे के सारे पूरा क्लास ही बिल्कुल लव फॉर नेशन, बिल्कुल फ्रेंच हो गए थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और तभी फ्रेंड्स को पिजन्स की आवाज़ सुनाई देती है फ्रॉम द रूफ टॉप्स, और उसके मन में एक सेंस ऑफ रिवोल्ट पैदा होता है जर्मन फोर्सेस के अगेंस्ट, और वो कहता है कि जर्मन फोर्सेस किसको किसको जर्मन सिखाएंगे, क्या वो पिजन्स को जर्मन सिखा सकते हैं? और जब पिजन्स को जर्मन नहीं सिखा सकते तो हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हमें जर्मन कैसे सीखने को फोर्स कर सकते हैं? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो अपने टीचर के वर्ड्स का काफ़ी इस पे प्रभाव पड़ता है, और वो इसके अंदर में लव फॉर नेशन, लव फॉर फ्रेंच, लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, ये सेंस काफ़ी डेवलप हो जाता है, और जर्मन फोर्सेस के अगेंस्ट उसके मन में एक सेंस ऑफ रिवोल्ट भी पैदा होता है। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो जब भी लिखते लिखते जब भी उसका वो सिर ऊपर करता था, उसे एम हेमल कैसे दिखते थे, बिल्कुल भी मोशनलेस बैठे हुए हैं, और हर एक चीज़ को वो बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं, जैसे सारी चीज़ों को वो अपने मेमोरी में फिक्स कर लेना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. क्योंकि it's quite obvious, क्योंकि उन्होंने 40 years वहाँ पर गुजारे हैं, तो हर एक चीज़ से उन्हें एक अटैचमेंट होता है, और अचानक से उस जगह को छोड़ना किसी के लिए भी काफ़ी इमोशनल है वो, और हार्ट ब्रेकिंग है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वोन स्मूथ, तो कुछ भी नहीं बदला है, बस थोड़ा जो बेंच और डेस्क हैं वो थोड़े ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। वालनट ट्री इन द गार्डन वेयर टॉलर, जो वालनट ट्रीज थे गार्डन के अंदर वो बड़े हो गए हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो होप वाइन उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया था वो अब बिल्कुल विंडो से रूफ तक पहुंच गया है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है अपने टीचर को देख के फ्रेंड्स, और वो कहता है कि वो कैसा फील कर रहे होंगे अभी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग दियर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और उसके ऊपर में उन जो एम एम एल हैं उनकी सिस्टर सामान पैक कर रही होती हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे ही उन लोगों को वो जगह
छोड़ना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर बा बेबी बोबू। लेकिन एम हेमल के पास काफ़ी करेज होता है कि वो एवरी लेसन वो लास्ट तक सुनते हैं और आफ्टर हिस्ट्री आफ्टर राइटिंग वो पहले ग्रामर पढ़ाते हैं, फिर राइटिंग का लेसन होता है, उसके बाद फिर वो हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट करते हैं और हिस्ट्री के बाद फिर जो राइम्स होती है छोटे बच्चों के लिए बा बेबी बोबू टाइप से वो भी वहाँ पे रिसाइट होता है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम। और ओल्ड प्राइमर को देख के थोड़ी सी हंसी भी आती है क्योंकि वो भी अपना जो ओल्ड प्राइमर जो बुक लाया था अपने साथ वो भी खोल के और उन छोटे बच्चों के साथ वो भी स्पेल कर रहा होता है लेटर्स को, उनके साथ वो भी बोल रहा होता है और काफ़ी इमोशनल है, उसके होंठ कांप रहे हैं, आवाज़ कांप रही है, तो ये देख के थोड़ा फनी भी लगता है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। तो उसको देख के काफ़ी फनी लगता है और वो हंसने का भी मन करता है लेकिन कोई हंसता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल वहाँ का सीन है, सभी इमोशनल और काफ़ी सैड हैं। आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और इस तरह से वो अपने लास्ट लेसन को याद करता है और अभी भी याद आता है उसे लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च की घंटी बजती है 12 की। देन द एंजेलस, और उसके बाद एक स्पेशल प्रेयर होता है उन लोगों का। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और तभी प्रूसियन सोल्जर्स की आवाज़ भी ड्रिल करते हुए वहाँ सुनाई देती है अंडर द विंडोज। एम हेमल स्टूड अप, तभी एम हेमल खड़े होते हैं वेरी पेल इन हिज चेयर और काफ़ी थके दुखी हैं वो। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और फ्रेंच कहता है उसने कभी भी उन्हें इतना हेल्पलेस इतना टायर्ड इतना इमोशनल इतना सैड कभी नहीं देखा था। और एम हेमल कुछ कहना चाहते हैं, माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम ही कुड नॉट गो ऑन, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं और समथिंग चॉक्ड हिम कुछ उनका गला बिल्कुल भी चौक हो जाता है और चूँकि वो इतने इमोशनल थे कि वो बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, टूक ए पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का टुकड़ा उठाते हैं एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, और जितनी भी उनकी ताकत थी पूरी ताकत लगा के ही रूट एज लार्ज एज ही कोज वाई वा ला फ्रांस, और जितना बड़ा उस बोर्ड पे वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं वाई वा ला फ्रांस लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो रुक जाते हैं अपने सिर को दीवार से लगा देते हैं। ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और अपने हाथों से ही इशारा करते हैं सभी को पूरे क्लास को, द स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, स्कूल ओवर हो गया है अब आप जा सकते हैं। और इसी नोट पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस और अंडरस्टैंडिंग भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।